आलापुर में मतदान शुरू हो चुका है। हम आपको बताएं 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और सुचारू रूप से चल रहा है। अभी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है या मशीन के खराब होने की नहीं आई है। और आपको दिखा सकते हैं हिसामुद्दीन पिपरा ये मतदान केंद्र है और ये आदर्श मतदान बूथ बनाए गए हैं। 3 बूथ है, 3000 मतदाता हैं इन 3 बूथों पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह से मौसम हल्का बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बावजूद भी लाइनें अच्छी निकली हैं, घर से लोग निकले हैं, मतदाता निकले हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, अपनी मत का इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक देखिए, हम आपको ये दिखाएंगे, बुजुर्ग महिलाएं सब निकले हैं घर से, उत्साह काफ़ी उत्साह दिख रहा है, अपना मत देने का काफ़ी उत्साह दिख रहा है। लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लाइनें बढ़ती ही जा रही हैं। इससे मत प्रतिशत अच्छा होने का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह से ही लोग घर से निकल रहे हैं। एसडीएम साहब, आप बताएं कि पूरा दौड़ा करके आप आ रहे हैं, 346 बूथ देख के आ रहे हैं, क्या कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही या फिर कैसे चल रहा है सर? नहीं, आलापुर विधानसभा के सभी बूथों पर मतदान समय से प्रारंभ हो गया है और अभी कहीं भी मशीन बदलने अथवा किसी अप्रिय स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर विगत 7 दिनों से यहाँ स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत बेहद कार्यक्रम चलाए गए, जिसका प्रभाव बूथों पर दिखाई पड़ रहा है कि सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें बूथों पर लगी हुई हैं और आशा है कि मतदान प्रतिशत 70% के ऊपर पहुँचेगा। तो 70% के ऊपर मतदान पहुंचेगा, ऐसा एसडीएम साहब का दावा है और हमारे साथ सीओ साहब भी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था जानना चाहते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था की, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। हाँ सीओ साहब बताएं, ये सुरक्षा व्यवस्था में प्रत्येक बूथ पे 2 सशस्त्र कांस्टेबल भी लगाए गए हैं, इसके अतिरिक्त CPMF भी लगाई गई है, इसके ऊपर सेक्टर मोबाइलें लगी हुई हैं पुलिस अधिकारी के साथ, जोनल लगे हुए 7 और 7 जो है सुपर जोनल लगाए गए हैं, क्लस्टर मोबाइलें भी लगाई गई हैं जो सतत भ्रमणशील हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा प्रत्येक थाने की थाने मोबाइल और QRT मोबाइलें भी 2-2 प्रत्येक थाने पर क्रियाशील हैं, जो सतत भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखेंगी। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग कितना चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह से लंबी लाइनें हैं और लोग अपना मत देने को आतुर हैं कि देकर मत देकर अपना एक अच्छी सरकार बना सकें।